बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता मलाई हांडी बना रही हूँ। एक पैन में दो प्याज को रफली काट कर डाल दें। इसमें हाफ कप पानी डालकर इसे खुश्क होने तक पका लें। पानी ड्राई होने के बाद इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लें और फाइन पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को हाफ कप ऑयल में फ्राई कर लें। वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और वन टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर भून लें। अब एक कप दही भी ऐड करके इसे भी फ्राई कर लें। वन टीस्पून कसूरी मेथी, वन टेबलस्पून सॉल्ट और अब कोफ्ता ऐड कर दें। इसकी रेसिपी मैं आई बटन में दे दूंगी। ये बिल्कुल कच्चे कोफ्ते हैं, इसे मैंने फ्राई भी नहीं किया है। इसमें एक कप पानी ऐड कर दें ताकि ये गल जाए। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। वन टीस्पून सफ़ेद मिर्च, वन टीस्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इसे ढककर पका लें। आठ से दस हरी मिर्चों को लंबाई में काट कर ऐड कर दें। तीन से चार टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करके मिक्स कर दें। कोयले का धुआं दे दें। क्रीमी कोफ्ता करी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।